गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम ओ की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे हमने पहले ओ की मात्रा पढ़ी थी, अब हम किसकी मात्रा पढ़ेंगे? ओ। ये पहले छोटा ओ, अब ये कौन सा ओ हो गया? बड़ा ओ। तो जैसे इसकी मात्रा की पहचान कैसे करोगे? वही एक स्टैंडिंग लाइन के ऊपर दो फ्लैग, तो क्या बन गया? ओ। इसको बोलने में आपको आपका जो माउथ है, आपका जो मुंह है, वो थोड़ा ज़्यादा खुलेगा। जैसे ओ बोलते हैं तो कम खुलता है, और ओ बोलेंगे तब क्या होगा? ज़्यादा खुलेगा। इसको औ भी बोलते हैं, लेकिन इसका उच्चारण क्या होगा? ओ। जैसे क में हमने ओ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? को। ख में लगाई तो क्या बन गया? खो। ग में लगाई तो क्या बन गया? ग। घ में लगाई तो क्या बन गया? घ। अंखाली में कुछ भी नहीं, मात्रा नहीं लगती है। जैसे तो, त के ऊपर हमने औ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? तो ली या तौलिया। खी लो ना, खिलौना। ठीक है, जैसे अब आपकी बुक में देखिए, तो ली या तौलिया, तो आपको ये सारे वर्ड्स पढ़ने हैं। जैसे न का, मो का, चो का, सो दा, पो धा। ठीक है बच्चों, गो रिकी गौरी की है मो सी, मोसी आई। खूब खिलौने साथ है लाई। सुनकर मौली, मौली भी है आई। मौ सी, मौसी ने दी सबको मिठाई। मौ साजी, मौसा। बेटा ये गलत, यहाँ पर मात्रा इसी मात्रा के ऊपर आएगी, ये मैं के पे नहीं आएगी। ये यहाँ पर सही लिखा हुआ है, यहाँ पर ये गलत है, मिसप्रिंट हो गया है। तो ये मात्रा आप यहाँ पर ही लगाओगे, ठीक है, यहाँ पर नहीं आएगी। जौनपुर से गौरी के मौसा जी और मौसी जी आए। नौकर मौसा जी का सामान उठा लाया। नौकर का नाम दौलत है। मौसा जी ने गौरी और सौरव के लिए खिलौने भी लाए। सब ने गरम गरम कचौड़ी, पकौड़ी और लौकी का रायता खाया। उसी समय एक कौवा आया और पकौड़ी लेकर उड़ गया। सबने गरम गरम क्या खाई? पकौड़ी खाई। कुछ लोग कहाँ से आए थे? जौनपुर से आए थे। मौसा जी किसके लिए खिलौने लाए थे? गौरी के लिए। ठीक है, आपको यह पूरा चैप्टर पढ़ना है।